तो आज हम बनाएंगे बैंगन मसाला भरवा बनाएंगे। तो हमें एक पैन में काजू, बादाम और नारियल, जीरा सबको रोस्ट करना है। फिर इसके बाद इसको ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल देंगे। इसको ग्राइंड करना है। एक बार ग्राइंड करने के बाद फिर इसमें जाएगा प्याज, लहसुन, अदरक और इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, फिर हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा सा नमक। तो फिर से इसको हमें दोबारा से ग्राइंड करना है। थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हमें बैंगन में भरना है। सभी बैंगन को ऐसे भर लेंगे। फिर एक पैन में काला जीरा, करी लीव्स, मिर्च, थोड़ा सा हींग डालने के बाद फिर इसमें हम बैंगन डालेंगे जो 2 या 3 मिनट के लिए फ्राई करना पड़ेगा हमें। तो थोड़ा सा हमें इसको ढकना पड़ेगा। तो ढक्कन देखिए, हमारा बैंगन जो है अच्छे से पक चुका है। तो इसमें हम वो पेस्ट बाकी, तो पेस्ट भी हमें इसमें डालना है। थोड़ा सा अच्छे से मसाला जो है अच्छे से पक जाए, इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें नींबू का पानी भी डालेंगे थोड़ा सा। थोड़ा इसको पका लेंगे अच्छे से। ज़्यादा भी नहीं पकाना है क्योंकि पहले सब कुछ मसाला पक चुका है। तो लीजिए, हमारा सब्जी रेडी होके तैयार है। तो ये हमें चावल के साथ अच्छे लगे।